वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये एक बच्चे का डाउट है जो कि औरों को भी मदद करेगा, लेकिन मैंने कहा ना कई क्वेश्चंस आपके या कई डाउट आपके या तो निराधार होते हैं, गलत होते हैं, या फिर उन डाउट्स या उन क्वेश्चन के अंदर उनका आंसर छुपा होता है। तो इसी तरीके का ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, इस बच्चे ने BCA BEd डिग्री कर रखी है, KVS PRT के लिए एलिजिबल होंगे अगर BEd के लोग करेंगे तो, ठीक है ना। कह रहा है कि इंटरनल प्रमोशन से TGT मैथ बन पाऊंगा या सिर्फ PRT रह पाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि PRT से आप क्या क्या बन सकते हो, HM बन सकते हो, TGT बन सकते हो, PGT बन सकते हो, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, कुछ भी बन सकते हो। लेकिन अगर आपको PRT से TGT बनना है, इफ़ यू वांट टू बिकम TGT फ्रॉम PRT, आपको 5 साल वर्किंग होना चाहिए KVS में, समझ आया। 5 ईयर का वर्किंग आपका जो टाइम है वो होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, 5 साल का टाइम होने के बाद जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के पेपर आएंगे वो भी आपको देने हैं। और अब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप PRT लगे हुए हो तो आप डिपार्टमेंटल की प्रमोशन देके TGT बन जाओगे। सबसे पहली बात कि आपको एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, और एलिजिबिलिटी वही रहती है जो डायरेक्ट वालों के लिए, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आ रहे हैं TGT मैथ, वही एलिजिबिलिटी आपके लिए भी है। तो जैसे BCA की बात करी जाए तो BCA में अगर सारे जितने साल के BCA में अगर ईच ईयर मैथ आपके पास है, जो भी TGT मैथ की क्वालिफिकेशन है, ईच ईयर मैथ है प्लस आपके ईच ईयर 50% मैथमेटिक्स में मार्क्स है, ओवरऑल परसेंटेज भी 50 है, तो आप डेफिनेटली 5 साल बाद TGT मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि BCA में मानो मैथ नहीं है सपोज ईच ईयर, ठीक है ना, या फिर हमारे या जो भी बच्चा है उसके परसेंटेज क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, तो वो बच्चा ये सोचता है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ, दैट इज़ MSc मैथमेटिक्स, ठीक है ना, तो वो PGT के लिए एलिजिबल हो जाएगा। डेफिनेटली PGT के लिए एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है कि PGT के लिए आपको ग्रेजुएशन की परसेंटेज नहीं देखते हैं, ठीक है ना। आप ओपन से करो, किसी से करो, डजेंट मैटर, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब कई बच्चे ये भी कहते हैं कि मैं TGT मैथ के लिए, क्योंकि उन्हें तो पता है एलिजिबिलिटी नहीं हो रही, दोबारा BSc मैथ कर सकता हूँ। हाँ, आप डेफिनेटली दोबारा BSc मैथमेटिक्स कर सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। एडिशनल डिग्री भी कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं। देखो होगा क्या, लॉजिकली यही होगा कि आपकी जो पहले वाली BEd होगी जिसमें मैथ साइंस आपका सब्जेक्ट होगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ BCA, क्योंकि BEd के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, इसलिए आपने क्या कर लिया, BSc मैथमेटिक्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ आ रहा है। और एक और क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा हुआ है कि पहले PRT से TGT बनूंगा फिर PGT, या मैं PRT से डायरेक्ट PGT बनूंगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो कितना आसान है। PRT से TGT बनने के लिए, PRT टू TGT आपको 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, और PRT टू PGT आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप 10 साल रुके रहोगे डायरेक्ट PGT के लिए अप्लाई करने के लिए, या फिर पहले TGT बनने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी एलिजिबिलिटी हो गई तो आप अगले साल ही PGT बन जाओगे। 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर किसी की क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती है तो वो 10 साल में क्वालिफिकेशन मैच करवा लेता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये एक क्वेश्चन था जो एक सब्सक्राइबर का था, और ये बहुतों को मदद करेगा अगर आप समझ सको। आपका भी कोई ऐसा ही डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को प्यार दिखाएं, थैंक यू।